हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप उसका जवाब दोगे? नहीं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपडेट देने के मामले में कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दोस्तों, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो अपडेट के मामले में दोस्तों मुझे सबसे अच्छी कंपनी रियलमी लगती है दोस्तों, क्योंकि वो हर कुछ महीनों पर एक न एक अपडेट देती रहती है। एंड कोई भी अपने पुराने फ़ोन हो या न्यू फ़ोन हो, उसमें अपडेट वो पुश करती रहती है, जिससे उसका उसका उस कंपनी का ये हम लोग जैसे मतलब जो फ़ोन बाई करते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना रहता है, उनका भी उस पर उस कंपनी पर ट्रस्ट बना रहता है कि ये कंपनी अच्छी है, हर मंथ या कुछ मंथ में अपडेट देती रहती है एंड इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, अगर वही सवाल है दोस्तों कि अपडेट के मामले में आपको कौन सी अच्छी कंपनी लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड मुझे मैंने अपना ओपिनियन बताया दोस्तों, मुझे रियलमी कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि वो अपडेट पुश करती रहती है, क्योंकि मैं खुद एक रियलमी का फ़ोन यूज़ करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा रियलमी XT, और हर दो मंथ में या तीन मंथ के बाद एक अपडेट आ ही जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड है दोस्तों जिनमें बहुत साल लग जाते हैं बट कोई अपडेट नहीं आता है। तो आप मुझे बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आपको अपडेट के मामले में कौन सा कंपनी का फ़ोन अच्छा लगता है। एंड दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा दोस्तों कि रियलमी XT में एक न्यू अपडेट आया है 3.06 का। आपको पता होगा दोस्तों ये इसका 6 वर्जन है एंड इससे पहले भी 5, 4, 3, 2 भी अपडेट मिल चुका है हम सबको। तो इसको आज हम लोग अपडेट करेंगे एंड देखेंगे कि हमको क्या क्या न्यू फीचर्स इस अपडेट के थ्रू हमको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने सेटिंग्स में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लिख एक मतलब ये नोटिफिकेशन टाइप का था। सॉफ्टवेयर अपडेट में देखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 493 MB का 493 MB का एक न्यू अपडेट आया है एंड न्यू वर्जन अवेलेबल एंड्रॉयड 10 रियलमी UI RMX 9021 11.04 3.04। तो वो एक न्यू अपडेट है दोस्तों। एंड इसके अपडेट में हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो सिक्योरिटी पैच लेवल जुलाई का हो जाएगा दोस्तों। रियलमी लैब में स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर्स है दोस्तों, उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे। सेटिंग्स में मल्टी स्क्रीन फीचर्स वो भी ऐड होगा एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने किया है। सिस्टम में ऑप्टिमाइज्ड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर, वो स्वाइप बैक जेस्चर का दोस्तों उन्होंने स्टाइल कुछ चेंज किया है। ऑप्टिमाइज्ड ब्लूटूथ बिंग ऐसे ही कुछ है दोस्तों, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो हम इसको सबसे पहले अभी डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या न्यू फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसके कारण वीडियो थोड़ी छोटी हो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है एंड अब डेट नाउ लिख देगा, तो उसके बाद हम अपडेट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अपडेट नाउ पर क्लिक करके अपडेट कर लेता हूँ, तो आपको पता है दोस्तों वो तो स्क्रीन बंद हो जाएगा, तो मैं उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अपडेट नाउ पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों वेरीफाइंग हो रहा है, उसके बाद दोस्तों स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, वो रिस्टार्ट होगी फिर बूट होगी। तो दोस्तों, फाइनली अपडेट फुल कंप्लीट हो चुका है, मैंने सब सेट कर दिया दोस्तों। तो आप सेटिंग्स में जाते हैं दोस्तों एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाते हैं एंड अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज़ द ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 रियलमी UI 3.06। फीचर्स में तो वही है दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, सिक्योरिटी पैच लेवल, स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर, मल्टी यूज़र फीचर्स सेटिंग्स में, ऑप्टिमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ऐसे ही और कुछ है दोस्तों। तो अब हम चेक करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी पैच लेवल को, तो अबाउट फोन में जाके एंड्रॉयड वर्जन में जाके, तो देखिए दोस्तों जुलाई 5, 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल हो चुका है एंड नेक्स्ट जो था दोस्तों वो आई थिंक स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर था, तो वो आपको रियलमी लैब में मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको बैक आना है, सबसे लास्ट में रियलमी लैब रहता है दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करके ये देखिए दोस्तों ये ऑन है ऑटोमेटिक, आप इसको ऑन कर लीजिए अगर आपको ऑफ होगा तो।
आई थिंक से ये दोस्तों ये फीचर्स उन फ़ोन में जो आपको पता होगा दोस्तों, जिन फ़ोन में आपने सुना होगा 120 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले दिया जाता है, वो दोस्तों इसमें ना दे करके वो नहीं बता करके सिर्फ इसमें स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, स्क्रोल योर स्क्रीन मोर स्मूथली, मतलब उसका मतलब वही हुआ दोस्तों, आप अच्छा सा अब और अच्छा सा आप स्क्रीन को स्मूथली वर्क कर सकते हैं, वर्क करेगा दोस्तों, स्मूथ वर्क करेगा। एंड नेक्स्ट दोस्तों ऐड मल्टी स्क्रीन मल्टी यूज़र फीचर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। आप सपोज करिए दोस्तों आप किसी भी एक सेटिंग्स में गए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में गए, आप सबसे नीचे आइएगा दोस्तों, तो आपको ये एक न्यू चीज़ दिखेगी दोस्तों, यू माइट बी लुकिंग फॉर होम स्क्रीन मोड या सेट वॉल पर। आपको दोस्तों नीचे आप किसी भी सेटिंग में चल जाएगा, आपको नीचे दो या एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको उसमें भी जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर था आई थिंक से दोस्तों, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा एंड ये आपको सब में दिख जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अब आप नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाते हैं तो नीचे आपको ये देखते हैं दोस्तों डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, आप यहाँ से साउंड में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आई थिंक से ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है दोस्तों, एंड और भी बहुत सारे अपडेट है दोस्तों। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स में आपको अच्छा ऑप्टिमाइज मिलेगा, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, एंड इस अपडेट के बारे में मैं डिटेल रिव्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड आप देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल पे ये एक डॉट टाइप का आया है, एंड यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको ऑनर या गेस्ट का ऑप्शन देगा, अदर्स का भी ऑप्शन देगा, तो इसके बारे में भी अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको डिटेल्स में पूरा इस अपडेट के बारे में अच्छे से बताऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं इसकी अब फुल अपडेट की रिव्यू अगले वीडियो में करूंगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर से देखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, तो छोटी नहीं दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, एंड आपको कौन सा फेवरेट कंपनी है अपडेट के मामले में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है imvishal_18, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। मैं अपने इंस्टाग्राम पे आने वाली वीडियो के थंबनेल या कुछ भी पोस्ट अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।